हमारे साथ जुड़े हैं सुधाकर देसाई जो कि इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सुधाकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ी खबर हमारे हाथ लगी है सर कि आज कैबिनेट की बैठक में नेशनल मिशन ऑन एडेबल ऑयल को मंजूरी मिल सकती है। आप बताएं जरा कि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होने में या ग्राउंड पर इस खबर का कितना इम्पैक्ट होगा। हाँ जी, थैंक यू जी। यस, इट हैज बीन अ लॉन्ग डिमांडेड सपोर्ट फॉर द डोमेस्टिक ऑयल सीड कल्टीवेशन। आज के दिन में बहुत अच्छा मौका है कि एक साल से लगातार प्राइजेस जो बढ़ा है और ऑयल सीड्स भी एमएसपी से इतना ऊंचा है, जैसे 4500 सोयाबीन है, अभी देखिए मार्केट चल रहा है 96,000, तो ये बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल मौका है, अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक ऑयल सीड्स को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। हमने एज आईवीपीए पेपर भी प्रेजेंट किया था रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी। एक तो स्टेट वाइज और ऑयल सीड वाइज होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो लो हैंगिंग फ्रूट है जो ऑयल सीड सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एक तो प्रोडक्टिविटी है, सो वी शुड हैव अ बेटर हाइब्रिड सीड्स एंड ऑल्सो द इरीगेशन फैसिलिटीज, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चल रहा है। देन वी ऑल्सो स्पोक अबाउट ग्राउंड नट विच इज अ हाई ऑयल बेरिंग मटेरियल एज ए नॉन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटेबल, एंड देन रेप सीड विच इज नॉन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटेबल। तो ये इस क्रॉप वाइज हम अगर इंक्लूडिंग ऑयल पाम अगर क्रॉप वाइज हम बात करेंगे तो धीरे धीरे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जरूर अपना कम होगा विथ ग्राउंड लेवल वर्क। इट विल टेक, जैसे पाम ऑयल अगर देखेंगे 4-5 साल लगेगा अगर, क्योंकि क्रॉप का लैग टाइम ज्यादा है, लेकिन शॉर्ट क्रॉप जो है जैसे रेप सीड, ग्राउंड नट, ये तुरंत आपको रिजल्ट्स देंगे प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। हाँ जी, ओके। तो ये आपने डिटेल में समझाया। हम देखिए इस खबर के दो पहलू हैं। हमने आपको पहले खबर बताया कि खबर क्या है। खबर यह है कि आज कैबिनेट की बैठक में 19,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान, तिलहन के लिए, ऑयल सीड के लिए, एडेबल ऑयल के लिए इसका ऐलान हो सकता है। ग्राउंड पर इसका इंपैक्ट आने में कितना वक्त लगेगा, ये बहुत ही डिटेल में आपको सुधाकर जी ने बताया कि पाम की खेती पर जब फोकस बढ़ेगा तो 4-5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप है, जो बाकी ऑयल सीड है, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, वहां पर तत्काल इंपैक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। और जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण खबर, और ये खबर आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि हम उस वक्त तिलहन की बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं, जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर तिलहन के दाम हैं, 10,000 रुपए क्विंटल के ऊपर चला गया है सोयाबीन का भाव। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सोयाबीन का भाव 10,000 के ऊपर चला गया हो, तिलहन के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, तो जबरदस्त तेजी है। और इसके पीछे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो दाम बढ़े हैं उसको एक बड़ी वजह मानी जा रही है और इसीलिए दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो सुधाकर जी, मैं अब आपसे दूसरा सवाल ये पूछ रहा हूं कि खाने के तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि सरकार ने बीच में कुछ कदम उठाए, जैसे कुछ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन यहां पर खत्म किया, इम्पोर्ट ड्यूटी में भी कुछ कमी की, लेकिन उसका कोई बड़ा इम्पैक्ट सर दिखा नहीं। अब ठीक है, ये तो नेशनल मिशन ऑन एडेबल ऑयल जब आएगा तो आपने भी कहा कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कंज्यूमर को फौरी राहत देने के लिए, तत्काल राहत देने के लिए अब सरकार के पास इस वक्त क्या उपाय बचे हैं ताकि कंज्यूमर को राहत सरकार दे सके? क्या कदम सरकार के पास बचे हैं या फिर क्या कदम सरकार को इस वक्त उठाने चाहिए? ठीक है जी, एक तो स्ट्रेटेजी की बात हमने अभी कहा, लेकिन अभी टैक्टिकली शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे तो 3 कारण है जिसकी वजह से प्राइसेस कम नहीं हुआ है। नंबर वन इज कि मलेशिया का जो प्रोडक्शन है 8-10% लोअर माना जाएगा अप्रैल में भी, जुलाई में भी, नंबर वन। नंबर टू, कनोला क्रॉप का जो कंसर्न है कनाडा में वेदर के कारण, एंड नंबर थ्री, इंडिया ने जब रिफाइंड ऑयल का इंपोर्ट खोल दिया है तो क्या हुआ, इंडिया से डिमांड क्रूड ऑयल का भी, सीपीओ का भी ऐसे रहा, और 1.5 लाख टन का एक्स्ट्रा डिमांड भी चले गए, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, नेपाल बांग्लादेश जो ज्यादा दाम में खरीद सकते हैं पामोलिन, जो रिफाइंड पामोलिन, और कम दाम में जीरो ड्यूटी में इंडिया में जो दे सकते हैं, इसकी वजह से भी पाम मार्केट को थोड़ा बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल गया। एक्चुअली एज एन इंडस्ट्री बॉडी हम नहीं चाहते कि ये जो रिफाइंड ऑयल ओलिन जो आ रहा है, पहले तो ये प्रॉब्लम था ही नहीं, सप्लाई चेन प्रॉब्लम था ही नहीं, इंडियन रिफाइनरीज काफी क्रूड पाम ऑयल लेके आया करते थे। एक्चुअली ये जो रिफाइंड ऑयल है 1.5 लाख टन जो हुआ है बिजनेस, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पाम बढ़ा है, उसका ज्यादा खास इम्पैक्ट इंडियन कंज्यूमर के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि
वो 1.5 रुपए लीटर सस्ते में गिरेगा, सस्ता गिरेगा, और 50 पैसा 1 रुपए ट्रेडर रख लेगा और 50 पैसा में कंज्यूमर को मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री के सामने बहुत बड़ा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्जिन इंजरी हो जाएगा। तो नंबर 3 आप जो पूछ रहे हैं कि 1 महीने का अगर प्राइसेस हम देखेंगे 8 to 19% 8% रेपसीड 19% सोयाबीन बढ़ा है, बाकी इंटरनेशनल मार्केट जो है खाली 2 to 5% ही बढ़ा है। तो मेन जो लीडर ऑफ रैली इज बेसिकली सोयाबीन इन इंडिया, देर इज एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये रैली हुआ है बेसिकली। एंड जो विलेन है वो सोयाबीन की कीमतें हैं, सोयाबीन के जो जो दाम बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट हम ऑयल मार्केट पर देख रहे हैं। तो अब जरा आप सोयाबीन पर बताएं, क्योंकि सोयाबीन के दाम बढ़ने से ऑयल तो महंगा हो ही रहा है, दूसरी तरफ पोल्ट्री इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है, पोल्ट्री किसानों की हालत बहुत खराब है, लगातार बैठकें हो रही हैं, सरकार के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। आप जरा बताएं, क्योंकि ये डिमांड की जा रही है कि 15 लाख टन सोयामील इंपोर्ट को मंजूरी दी जाए। अब बहस इसमें भी उलझी हुई है कि जीएम सोयामील हो या नॉन जीएम सोयामील हो। इंडस्ट्री का कहना है कि जीएम नॉन जीएम तो अभी ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है नहीं, लिहाजा जीएम सोयामील के इंपोर्ट को मंजूरी दे दी जाए। तो आपके हिसाब से क्या सोयामील के इंपोर्ट को मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि एक तबका ऐसा है जिनका मानना है कि सोयाबीन इंपोर्ट को मंजूरी दी जाए जिससे यहाँ मील भी मिल जाएगा और ऑयल भी मिल जाएगा। आपका तर्क क्या है, संक्षेप में जवाब दें सर, आप क्या मानते हैं? एक तो जीएमओ का इशू है, इसका क्लियरेंस अगर गवर्नमेंट तुरंत कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये जो शॉर्टेज आया है उसकी वजह से मील इम्पोर्ट्स अलो किया जा सकता है एज ए टेम्पररी टैक्टिकल मेजर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी जीएमओ अगर अलो करेंगे तो भी उसमें 50 से 60 दिन लगेंगे, और नॉन जीएमओ ग्लोबली नहीं, नॉन जीएमओ तभी मिलेगा जो इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है नॉन जीएमओ 2 महीना पहले 3 महीना पहले, अगर वो कहीं अवेलेबल है तो फाइनली वही माल आप वापस ला सकते हैं 19% ड्यूटी लेके, फिर भी पैरिटी है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मील इंपोर्ट्स एक्चुअली 1-2 महीना पहले ही ट्रिगर होना चाहिए था, क्योंकि अभी जीएमओ अलो करेंगे अगर आएगा तो भी वो माल इंडिया में अक्टूबर तक आएगा, जब तक इंडिया में नया क्रॉप चालू हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है इसमें। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग यस, टैक्टिकली व्हेनेवर रिक्वायर्ड टू सेव द पोल्ट्री इंडस्ट्री मील इंपोर्ट्स का तैयारी करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मील का इंपोर्ट होना चाहिए तभी फौरी राहत यहां पर मिलेगी पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी, और ऑयल के मोर्चे पर भी थोड़ी राहत की खबर आएगी। बहुत शुक्रिया। Please like and subscribe IVPH channel.